दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मैन फॉर रिपीट। वेल दोस्तों, कांटा लगा गर्ल शेफाली सरेवाला की पहले ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद अब उन्होंने उसके ऊपर से खोले हैं राज। जी हाँ, कंपोजर मीत ब्रदर्स के हरमीत सिंह के साथ उनकी शादी हुई थी पहले, और जिसके ऊपर अब हाल ही में उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों डिवोर्स दिया। वेल, सबको पता है कांटा लगा गर्ल जो है वो काफ़ी लाइमलाइट में थी जब ये गाना आया था, उसके बाद वो कहीं गायब सी हो गई थी और बिग बॉस 13 से उन्होंने एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कम बैक किया इंडस्ट्री में दोबारा। लेकिन क्या आपको पता है पराग त्यागी जो उनके हस्बैंड है, इनके पहले जो हैं वो ऑलरेडी शादी कर चुकी थी, एक रिलेशनशिप में थी और वहाँ पर उन्होंने डिवोर्स भी लिया, और वो कंपोजर मीत ब्रदर्स के हरमीत सिंह थे। वेल, अभी हाल ही में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो है कहा कि वो क्यों उन्होंने डिवोर्स दिया, उनके बीच में चीज़ें क्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्यार होता है, बट हर रिलेशन ज़रूरी नहीं हो कि फिजिकली ही जो हो वो वॉयलेंस का हो। कहीं कहीं आपको अप्रिसिएशन भी चाहिए रहता है, बट उस शादी में उनको अप्रिसिएशन नहीं मिला था और वो इतनी इंडिपेंडेंट थी और इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपनी डिसीजन खुद ले ले, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसी शादी में रहने पे जहाँ पर आप अप्रिशिएट नहीं होते हो, उससे बेटर है कि आप जो है डिवोर्स ले लो और आप इंडिपेंडेंट हो और आप अकेले रहो। जी हाँ, लेकिन सोसाइटी का डर ज़रूर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, बट एंड ऑफ द डे आपकी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा मायने रखता है। यही सोचकर उन्होंने जो है उस वक्त हरमीत से अलग होने का फैसला किया और वो उनको छोड़ के अलग हो गई। रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं था कि वो अब्यूजिव या फिजिकल पे वॉयलेंस मारपीटिंग हो, बट लोगों को चाहिए रहता है अलग अलग चीज़ें, किसी को प्यार, किसी को पैसा, किसी को लग्जरी लाइफ, किसी को चाहिए रहता है कि वो सामने वाला जो है वो उसे समझे, अप्रिशिएट करे। एंड शेफाली भी यही चाहती थी कहीं ना कहीं, जो इसी वजह से उनके बीच में थिंग्स वर्कआउट नहीं हुए और उन्होंने हरमीत को छोड़ा था। तो दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ क्या आपको ये रीज़न पहले से पता था, और क्या आपको पता था कि पराग त्यागी के पहले शेफाली सरेवाला की शादी किसी और से भी हुई थी। नहीं तो आपके जो भी थॉट्स हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ ही में ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको देंगे सबसे पहले और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट।